हेलो दोस्तों, आप सबका हार्दिक स्वागत है। आप देख रहे हैं हमारी स्पेशल सीरीज बातों बातों में और मैं हूं विवेक पांडे। हमारे इस बार का टॉपिक है सेलिब्रेटिंग रमजान इन टाइम्स ऑफ कोविड-19। जवाब देने के लिए आज मेरे साथ हैं जाने माने अभिनेता आसिफ शेख और मशहूर वकील और दाऊदी बोहरा कम्युनिटी अफेयर्स के बोर्ड मेंबर श्री शब्बीर वखारिया। आप दोनों का तहे दिल से स्वागत करता हूँ। आपको बहुत बहुत बधाई रमजान के इस पावन मौके की। और कैसे आपने परिवार के साथ लॉकडाउन के इस माहौल में फास्टिंग को मैनेज करा? रमजान बेसिकली ये जो महीना है ये अपनी नफ्स को मारने का महीना है। अपनी जो टेम्पटेशंस हैं उनको आप कैसे कर्व कर सकते हैं। ऐसे आप एक 18 घंटे 16 घंटे भूखे रहते हैं और उस दौरान आप इबादत करते हैं, नमाजें पढ़ते हैं, कुरान शरीफ की तलावत करते हैं और जितना भी आप टाइम दे सकते हैं इबादत में वो बेसिकली इबादत का महीना होता है ये। हम लोग ऐसे मैनेज कर रहे हैं कि हम लोग जितना सिंपल खाना खा सकें वो खाने की कोशिश करते हैं और हम लोग सहरी में जो भी रात का खाना बचा होता है समटाइम्स वो खा लेते हैं। बच्चे म्यूजली या कुछ कॉर्नफ्लेक्स या फ्रूट्स या ऐसा कुछ खा के हम सबको इस बात का एहसास होना चाहिए कि जो अल्लाह ने हमें जो दिया है हम उसकी वैल्यू करें और जिनको नहीं दिया है उनके लिए हम कुछ करने की कोशिश भी करें। यहाँ पर मैं शब्बीर जी आपसे ये पूछना चाहूंगा कि आप भी इस लॉकडाउन के माहौल में फैमिली के साथ रमजान के फास्ट कैसे मैनेज कर रहे थे? पहली बार का नया एक्सपीरियंस है और इसके लिए हमारे लिए कम्युनिटी ने और सैयदना साहब ने हर एक चीज घर में मुहैया कर दी है। तो घर बैठे बैठे घर को मस्जिद बन गया है हमारे लिए। रमजान के अंदर हमारे लिए मस्जिद और नमाज पढ़ना और दुआ करना ये बड़ी अहमियत होती है और इस काम को घर पे बैठ के करते हुए फैमिली के साथ करते हुए ये एक नया मंजर है हमारे लिए और दिन निकल जाते हैं। कोई कम्यूट नहीं रहता है, कोई मस्जिद में भागने की जल्दी नहीं रहती है। जो कुछ करना है रमजान के लिए वो घर में फैमिली मेंबर्स के साथ हम कर लेते हैं। सेट को कितना मिस करते हैं आप? अपने मशहूर किरदार विभूति को कितना मिस करते हैं? और पहले जो रमजान के महीने में जो एक्टिविटीज आप करते थे वो और अभी जो फर्क है उसको कितना मिस करते हैं? 5 साल से तो वक्त नहीं मिल पा रहा था मुझे। मैं शूटिंग करता था तो रोजे रखना तो बहुत मुश्किल है। वाइल वर्किंग आप जब काम करते हैं तो आप रोजे रखना मुश्किल होता है। फिर वो कहीं ना कहीं वो एक रमजान का एक चार्म जो था वो खत्म सा हो गया था मेरे लिए। लेकिन अब मुझे मालूम पड़ता है कि सहरी पे उठो, अफतारी में बैठो, नमाजें पढ़ो, फजर की नमाज मलिक जब सहरी करने के बाद आप फजर की नमाज पढ़ते हैं, कुछ दुआएं करते हैं, कुछ तस्बीहां पढ़ते हैं, कुछ सो एक दोबारा से एक चीज रिवाइव हुई है इन हालात में। और जहां तक मिस करने का सवाल है वो मेरा पैशन है, मेरा शौक है, मुझे बहुत मजा आता है और मैं इस कैरेक्टर को 5 साल से जी रहा हूँ तो आई डेफिनेटली मिस विभूति नारायण मिश्रा, बहुत मिस करता हूँ मैं। क्या मुझसे ज्यादा लोग मिस करते हैं? आई गेट फीडबैक ऑन माय ट्विटर माय इंस्टा कि सर आपको, लेकिन वो पुराने एपिसोड दिखा रहे हैं। शबीर जी यहाँ पर दाऊदी बोहरा कम्युनिटी जो है आप भी उसे बिलोंग करते हैं, वो इस रमजान के पावन मौके को कैसे मैनेज कर रही है इस लॉकडाउन सिचुएशन में? हमारा ये रवैया रहा है कि हमारा ईमान हमारे मुल्क की मोहब्बत है और ये मुल्क की मोहब्बत के लिए हुकूमत का जो गाइडेंस दिया गया है, जो सोशल डिस्टेंसिंग का, जो लॉकडाउन का घर पे रहने का, वो फॉलो करना हम करते हैं। अच्छा, मैं अगर आपसे बात करूं कि जैसे बचपन के जिंदगी के कुछ ईद और रमजान के कुछ बेहतर पलों की तो कुछ हमारे साथ आप शेयर करना चाहेंगे? जैसे पहले बड़े आपको जो बचपन में जैसे ईदी वगैरह देते थे उनसे लेना और फिर कैसे रहते वो कैसा रहता था? ईदी के बारे में बताऊंगा पहले मैं आपको। ईदी एक बड़ी एक्साइटमेंट होती थी कि ईद पे कौन कितनी ईदी देगा। तो मेरे पापा के कुछ दोस्त थे, कुछ अच्छे दोस्त थे जो ज्यादा ईदी देते थे और जो कंजूस दोस्त थे वो कम ईद देते थे। वी यूज्ड टू डेफिनेटली वेट कि पापा के दोस्त, हमारी खालाएं, हमारे रिश्तेदार घर पे आए और हम उम्मीद करते थे जितने लोग आए घर पे उतना अच्छा, बिकॉज जो भी आता था ईदी देता था बच्चों को, तो हम लोग उम्मीद करते थे कि कितने लोग घर पे आ रहे हैं। तो वो एक बड़ा अच्छा एक वो होता था। एंड देन बाय द एंड ऑफ द इवनिंग हम सब अपनी अपनी, मैं और मेरी दोनों बहनें, हम अपनी अपनी ईदी काउंट करते थे और उसमें कहीं झगड़े भी होते थे कई बार कि तुम्हें 5 रुपए ज्यादा कैसे मिले, तुमने किसने ईदी दी इतनी 5 रुपए। एंड शी वाज सच कि वो आंटी आई थी ना वो तुमसे नहीं मिली, बाहर से बाहर चली गई तो मुझे देख के चली गई। हमारी माँ ईद के रोज सेवइयां बनाती थी और अपना दही की फुलकियां बनाती थी और कुछ छोले बनाती थी
लगती थी, जो भी आता था उनको ये सर्व किया जाता था, साथ में कोल्ड ड्रिंक दी जाती थी, एक जनरल एक यू नो एक गले मिलना और फिर बातें करना और फिर 10-10 मिनट 15 मिनट सब लोग आके मिल के जाते थे, तो बड़ी खूबसूरत खूबसूरत यादें हैं। और आखिर मैं आपसे जानना चाहूंगा, फ्रंट लाइन वर्कर्स के लिए आपका क्या मैसेज है, जो डॉक्टर जो नर्सेज आगे फ्रंट लाइन पे होकर हम सबके लिए काम कर रहे हैं? जो फ्रंट लाइन स्टाफ काम कर रही है, डॉक्टर्स है, नर्सेज है, सफाई कर्मचारी है, बस के ड्राइवर्स है, जो ट्रेन के थोड़े चालक है, जितनी थोड़ी बहुत ट्रेन चालू है, इनकी हमें बड़ी प्रशंसा करनी चाहिए, इनको हमें एक सल्यूट करना चाहिए। और ऐसे लोगों के लिए आपका क्या क्या मैसेज होगा जो इस लॉकडाउन की गाइडलाइंस का भी पालन करके अपने धर्म का अनुसार निभाए भी और जो पहले एक्टिविटीज जो वो करते थे उसको भी आप सही ढंग से कर सकते? हालांकि जैसे हालात जैसे चल रहे हैं आजकल, मेरी सबसे ये गुजारिश है और हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप जो ये जो फॉलो करिए, जो जो रूल्स हैं, जो रेगुलेशंस हैं, जो लॉज हैं, जो हमारे गवर्नमेंट ने हमें बताया गया है, जो जो हमसे कहा गया है, वी शुड फॉलो इट टू द टी, और बिना मतलब के बिना रीजन के घर से ना निकलें। आप अपनी नमाजें घर में पढ़ें। वी आर गोइंग थ्रू अ ग्लोबल क्राइसिस राइट नाउ, कि हम इस क्राइसिस से कैसे बाहर निकलें। और हमारी ऐसा पायस महीना है, इतना पाक महीना है कि हमारी दुआएं कबूल होंगी और इंशाल्लाह अल्लाह चाहेगा तो हम इस क्राइसिस से बहुत जल्दी बाहर निकलेंगे। आसिफ जी, शबीर जी, आप दोनों का इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद जी। हाँ दोस्तों, आइए मिलकर इस वायरस को हराएं और खुलकर ईद मनाएं।